comes from the heart, goes to heart, and I'm sure you guys are going to connect to it. But tell me, is there a message for all the young bachelor boys? It's not for bachelor boys, it's for everybody who's young at heart. So all of you who is young at heart, see you on 2nd of September, SMTT! Now introducing a very interesting character. This is the backbone of the film. Sabki Ma. Sabki Ma hai ye. Ma. Bahar aaiye. Yes, MDD. Hello, everybody. Bahar aaiye, bahar aaiye. Muh dikha. Haan, theek se. Bataiye, aap. Hello, main hu Pushpa. Aur mera jeene ka matlab hai mast raho, malang raho. Ek hi zindagi hai, aish karo. Jiyo, jeene do. I am Pushpa and I hate tears, but I love giving tears to people who will not come for SMTT. One chance to enjoy your love with you. Thank you, Shailendra sir. Thank you. Oh, Rajma Romeo. This is Rajma Romeo. He's going to tell you why his name is Rajma Romeo. Bolo bhaiya, Bharat Mata Ki Jai. मेरा नाम है राजमा रोमियो. राजमा इसलिए क्योंकि मैं राजमा बहुत अच्छा बनाता हूँ, और रोमियो इसलिए बिकॉज आई एम इन लव विद आलिया भट्ट. तो ऐसा 40 साल पहले वीरू भाई टंकी पे चढ़े थे, आज मैं बस पे चढ़ा हूँ ये बताने आई लव आलिया भट्ट. 2 सितंबर को मैं उन्हें प्रपोज करने वाला हूँ. ट्वीट कर दो, ट्वीट कर दो, आप दोनों गो एंड प्रपोज हो. बोलो SMTT. ओके, नाउ Now we're going to introduce the lead character. Sunshine music to the tower. Sunshine, my only sunshine. You make me happy when times are gray. The skies are gray, but the sun is shining. Come on, give it up for Sunny. पहली और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रैवल फिल्म थी, हनीमून ट्रैवल्स. इतनी ट्रैवल नहीं की थी लेकिन इंटरेस्टिंग ड्रामा थी रिलेशनशिप्स की. दिल चाहता है सेकंड हाफ ऑफ ट्रैवलिंग. ये एक बहुत ही ऑनेस्ट ट्रैवलिंग फिल्म है. 2874 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है, कोई स्टॉक शॉट नहीं है फिल्म में, और हिंदुस्तान का हर रंग दिखाया है. दूध पत्री से लेकर दिल्ली, दिल्ली जयपुर, जयपुर अहमदाबाद, अहमदाबाद पनवेल, पनवेल गोवा. आई थिंक इंडिया इज अ ऑसम कंट्री एंड वी वर प्रिविलेज कि हमने एक बॉलीवुड की कहानी पूरा हिंदुस्तान दिखाते कदम बोल दी. बड़ा मजा आया. इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट और पैकेजिंग इक्वल प्रोपोर्शन में रंग लाती है बॉक्स ऑफिस पे. तो प्रोडक्ट तो बन गया था और हमें बहुत ही आत्मविश्वास है हमारे प्रोडक्ट में, लेकिन लेकिन उसकी पैकेजिंग भी बहुत महत्वपूर्ण थी. और मुझे लग रहा है कि सारे बड़े बड़े टेलीविजन शोज जो आजकल एंटरटेनमेंट शो चल रहे थे उसमें सारे बड़े एक्टरों ने स्लॉट ले लिया था. तो हमने आपको तकलीफ दी कि आप यहां आए और हमारा इस किस्म का एक एडवेंचर देखिए, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन कुछ भी कर सकता है सफलता के लिए. चैलेंजर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा कि नए वन किंग मेकर, वी ऑल आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ SMTT. देखो, हमसे काम नहीं करवाओगे तो हम काम कर देंगे. हम उस टाइप के लोग हैं. तो या इट वाज अमेजिंग. एक तो बात बनती है, इधर आ जा तू यार, अच्छे से ऑफिशियली प्रपोज कर चालीसा बोल के. ये पहली बार हनुमान चालीसा सुनी होगी, लेकिन आलिया चालीसा नहीं सुनी होगी आपने पहली बार. तो आई फेल इन लव विद आलिया भट्ट ड्यूरिंग द यू नो द कैरेक्टराइजेशन ऑफ दिस. तो हम लोगों ने कम अप विद दिस ब्रिलियंट आइडिया कॉल्ड आलिया चालीसा. यू कैन कॉल इट आलिया आरटी, आलिया एंथम. सो इट गोज लाइक, डिंपल वाली क्यूट कुड़ी है, मेरे मन को भाई, तू कितनी सोनी है लड़की, तुझसे सच्चा प्यार हो जाए. वो क्वीन तेनी जान के करण जौहर मजाक उड़ाए, लेकिन तू उसकी हर फिल्म हिट कराती वो ये भूल जाए. है आलिया तू सुंदरता का सागर, है आलिया तेरे टैलेंट का आदर. ऑस्कर की ट्रॉफी तू लाना, देश का तू नाम बढ़ाना. जो भी हमारे बीच में आए उसका पूर्ण विनाश हो जाए. #काला चश्मा.